चित्तौड़ से करीब 40 किलोमीटर दूर मनकिया में स्थित श्री सांवरिया सेठ का मंदिर जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सांवरिया जी विराजमान हैं और श्री सांवरिया सेठ जी सबकी मनोकामना पूरी भी करते हैं। इसी कारण से भक्त यहाँ पर सोने चांदी का दान चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है यह मंदिर किसने बनवाया था और जो मूर्तियाँ विराजमान हैं वो मूर्तियाँ कहाँ से आई हैं और क्यों भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर सांवरिया सेठ कहा जाता है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम इस चैनल पर मंदिरों से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह मंदिर चित्तौड़ उदयपुर हाईवे पर बना हुआ है जो कि मंडकिया के सांवरिया सेठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी कहानियां प्रचलित है, लेकिन कुछ खास घटनाओं को ही हम इस वीडियो में प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं श्री सांवरिया सेठ का संबंध हम मीराबाई से जोड़कर देखते हैं। ऐसा बताया जाता है कि श्री सांवरिया सेठ जी मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की मंडली में रहती थी। ऐसे ही एक संत थे, संत श्री दयाराम जी। दयाराम जी की मंडली में यह मूर्तियाँ थी। औरंगजेब की सेना भारत के सभी मंदिरों को तोड़ रही थी और मंदिर तोड़ते तोड़ते औरंगजेब की सेना मेवाड़ में पहुंच गई और मेवाड़ में पहुंचने के बाद सेना को इन मूर्तियों के बारे में पता चला। तो संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा लेकर इन मूर्तियों को बासोड़ा बागुर बास छाड़ा की छापर में एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर छुपा दिया। फिर समय बीतने के साथ साथ संत दयाराम जी का स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद सन 1840 में मंडके ग्राम निवासी भोलाराम गुज्जर नामक एक ग्वाले को सपना आया, बसोड़ा ग्राम में एक वृक्ष के 4 फुट नीचे मूर्तियां गड़ी हुई है और भोलाराम ने सपने को हकीकत मानकर उस जगह पर पहुंचकर उस जगह पर खुदाई करी तो सच में उस जगह पर 4 मूर्तियां प्राप्त होती है। भोलाराम गुज्जर का सपना सच होता है और इस जगह से जो मूर्तियां प्राप्त हुई है सच में बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। देखते देखते यह खबर चारों ओर फैल गई और आसपास के सभी लोग इस जगह पर पहुंचने लगे और सभी की सहमति से सबसे बड़ी मूर्ति को बसोड़ा ग्राम में ले जाया गया। बसोड़ा ग्राम में प्रसिद्ध संत और पंडित रहते थे। उन्हीं के नेतृत्व में उदयपुर के राजघराने की सहायता से यहाँ पर श्री सांवरिया सेठ जी का एक विशाल मंदिर बनवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसीलिए यह मंदिर प्राचीन सांवरिया सेठ के नाम से जाना जाता है और तीसरी मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दी गई जहां से चारों मूर्तियां मिली थी। आज जिसे प्रकट स्थल के नाम से जाना जाता है और लोग इसे छोटा सांवरिया भी कहते हैं। जबकि सबसे छोटी मूर्ति को भोलाराम के साथ मंडके ग्राम में लाया गया और इस मूर्ति को भोलाराम गुज्जर ने अपने घर में स्थापित की और पूजा करने लगा और चौथी मूर्ति निकालते समय ही खंडित हो गई। इसी कारण उस मूर्ति को वहीं पर दफना दिया गया। वर्तमान में तीनों जगह पर प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज भी लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। और इस मंदिर से जुड़ी दूसरी घटना है, नानीबाई का मायरा श्री सांवरिया सेठ जी ने अपनी तरफ से भरा था क्योंकि नानीबाई के भाई की मौत हो गई थी और नानीबाई ने श्री कृष्ण को अपना भाई बना लिया था और नानीबाई के भाई का नाम सांवरिया था। इसी कारण से श्री सांवरिया सेठ जी ने नानीबाई का मायरा भरा था। और सांवरिया सेठ से जुड़ा तीसरा किस्सा है, 1840 में मेवाड़ के तत्कालीन राणा इस जगह पर एक सड़क का निर्माण करवा रहे थे तो रास्ते में एक वृक्ष के पेड़ के नीचे खुदाई के क्रम में यहाँ पर 4 मूर्तियां प्राप्त हुई और उन्हीं ने मेवाड़ के राणा ने इस जगह पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन दोस्तों कारण जो भी रहे मगर आज इस जगह पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही किसी मंदिर के किस्से के साथ। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।